ओम शांति। आज की तारीख है 14/6/23 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे बच्चे तुम्हारा है सतो प्रधान संन्यास। तुम देह सहित इस सारी पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूलते हो। प्रश्न है, तुम ब्राह्मण बच्चों पर कौन सी जवाबदारी बहुत बड़ी है? उत्तर, तुम्हारे पर जवाबदारी है कि पावन बनकर सारे विश्व को पावन बनाने की। इसके लिए तुम्हें निरंतर शिव बाबा को याद करते रहना है। याद ही योग अग्नि है जिससे आत्मा पावन बनती है, विकर्म विनाश हो जाते हैं। गीत बजा है, दुखियों पे कुछ रहम करो माँ बाप हमारे। धारणा के लिए मुख्य सार के दो ज्ञान बिंदु। नंबर एक, निरंतर एक बाप की याद से, निरंतर एक बाप की यानी परमपिता परमात्मा की याद से माया जीत जगत जीत बनना है। पवित्र बनकर भारत को पवित्र बनाना है। नंबर दो, बुद्धि से बेहद पुरानी दुनिया का संन्यास करना है। इस देह भान को भूलने का अभ्यास करना है। देही अभिमानी रहना है। वरदान सतगुरु शिव पिता परमात्मा का किसी से किनारा करने के बजाय सर्व का सहारा बनने वाले विश्व कल्याणकारी भव। बाबा कहते किनारा नहीं करो, लेकिन आप किनारा जिनसे कर रहे हो उनके आप सहारा बन जाओ। आगे मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि सारे कल्प में ब्रह्मा बाप और ईश्वरीय परिवार के संबंध संपर्क में आने वाले आप श्रेष्ठ आत्मा हो। आप किनारा करने वाले नहीं, लेकिन विश्व का सहारा बनने वाली विश्व कल्याणकारी आत्मा हो। हम अपने जीवन में देखते हैं कि ये सामने वाली व्यक्ति का व्यवहार यदि परिवर्तन हो तो फिर मेरा भी उद्धार हो और उनका भी उद्धार हो, परंतु वो व्यक्ति परिवर्तित नहीं होती तो आखिर इंसान थक करके क्या करता है, उससे किनारा कर लेता है। तो बाबा कहते ऐसे किनारा नहीं करो, परंतु मनसा सेवा करके करके बाबा की याद में उसको भी कैसा बना दो। बाबा कहते वो आपको अपना सहारा समझे, इतने तक आप उसको तैयार कर दो, क्योंकि आप किनारे करने वाले नहीं लेकिन विश्व का सहारा बनने वाली विश्व कल्याणकारी आत्मा हो। परिवार के अविनाशी प्यार के धागे के बीच से निकल नहीं सकते, हमें रहना ही पड़ता है। इसीलिए कभी भी किसी भी बात में किसी भी स्थान से किसी भी सेवा से किसी भी साथी से किनारा करके अपनी अवस्था अच्छी बनाने का संकल्प नहीं करना। नोट किया सभी ने? ये आदत डाली तो कहाँ भी टिक नहीं सकोगे। स्लोगन है, कर्म भोग का वर्णन करने के बजाय
कर्म योग की स्थिति का वर्णन करो। कईयों को अपनी बीमारी का वर्णन करने की बहुत आदत होती है। बाबा कहते उसका वर्णन मत करो, परंतु कैसे उस बीमारी पर कर्म योग से विजय प्राप्त की, तो योग की क्या विधि रही उसका वर्णन करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।